बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। प्रियंका गांधी ने कल वायनाड से नामांकन कर दिया, लेकिन वायनाड में चुनावी दंगल से पहले प्रियंका की संपत्ति पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका ने अपने हलफनामे में संपत्ति की गलत जानकारी दी। इस आरोप पर सियासत भी अब शुरू हो गई। कांग्रेस बीजेपी पर भ्रम फैलाने के आरोप भी लगा रखी है। देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर एक नई सियासत शुरू हो गई है। विवाद उनकी संपत्ति को लेकर है। प्रियंका ने कल केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति को लेकर प्रियंका ने जो जानकारी दी है, उस पर बीजेपी को आपत्ति है। हलफनामे में प्रियंका ने अपनी संपत्ति करीब 12 करोड़ बताई और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति करीब 65 करोड़ बताई है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका गांधी ने अपनी और अपने पति की संपत्ति की झूठी जानकारी दी है, चुनाव आयोग और देश से अपनी संपत्ति छिपाई है। वहीं कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की संपत्ति को लेकर बीजेपी भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। जैसा मैंने कहा, ये हलफनामा, ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। सबसे पहले इनके हलफनामे में, क्योंकि ये बाध्यता है, ऐसा नहीं है कि शुचिता के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई और उन्होंने ये सार्वजनिक किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं। जो आरोप लगेंगे या जो भी जोड़ा जाएगा, ये सारा तो चलता रहेगा, क्योंकि ये राजनीति है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, कोई भी आरोप जो भी होते हैं, कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं हुई है, कभी भी प्रूव नहीं हो पाया है। और कभी भी अगर कोई भी सवाल है कोई भी एजेंसियों का, मैं जवाब देने के लिए राजी हूँ। और ज़रूर राजनीति और ये सब आरोपों को अलग रखना चाहिए। प्रियंका के हलफनामे के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति करीब 65 करोड़ है, जबकि आयकर विभाग ने उनसे 78 करोड़ रुपए टैक्स मांगा है। हालांकि प्रियंका गांधी ने बताया कि आयकर विभाग की इस मांग के खिलाफ अपील की गई है। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा की जितनी आमदनी बताई गई है, उससे ज्यादा तो इनकम टैक्स है। बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने अपनी संपत्ति की सही वैल्यूएशन हलफनामे में नहीं लिखा है और चुनाव आयोग से झूठ बोला है। The affidavit of Priyanka Vadra makes important disclosures. It is very clear that both she and her husband, the Vadra family, have tax liabilities or they owe the income tax department more than their combined asset base. In fact, it is to the tune of 80 crore rupees. Imagine if out of power, they are doing tax chori of 80 crore rupees, in power what they would have done. And the question also arises that if 80 crore rupees is the tax liability on them, what is their actual income? That is also a question mark. This is land chore and tax chore party. Itna asset nahi hota, income nahi hota, 10 guna zyada khada kar diya jata hai, jod jad karke phir appeal mein jaya jata hai. Kya uska faisla ho gaya kya? Ye anpadh log hain, ye jante nahi ki इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग्स में और जगह के प्रोसीडिंग में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, आउट ऑफ प्रपोर्शन ऐड कर दिया जाए, उसको कहते हैं एडिशन करना होता है। तो जब फाइनल एडजुडिकेशन हो जाएगा तब आरोप लगाएं तो समझ में, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका गांधी और उनके पति करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बाद भी 11 साल से इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने शिमला में अपने घर की कीमत 10 गुना करके बताई है। तो प्रियंका की संपत्ति पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रियंका पर अपनी और अपने पति की संपत्ति की गलत जानकारी का आरोप लगा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें देने वाली समाजवादी पार्टी अब गठबंधन की सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
उसने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ प्रचार करेगी। कांग्रेस ने अपने किसी कैंडिडेट को उपचुनाव में नहीं उतारा है, तो क्या हरियाणा वाला फॉर्मूला एसपी ने अब कांग्रेस को समझा दिया है? क्या एसपी के सामने कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया? दो लड़कों की जोड़ी अब यूपी में मिलकर उपचुनाव का दंगल तो लड़ेगी, लेकिन सियासी मैदान में राहुल के लड़ाके नहीं होंगे बल्कि सभी 9 सीटों पर अखिलेश के उम्मीदवार चुनावी ताल ठोकेंगे। कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी एसपी के चुनाव निशान पर मैदान में उतरेंगे, इसकी जानकारी अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। सूत्रों की माने तो अखिलेश और राहुल की सहमति से ही यह रणनीति बनाई गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच फोन पर बात हुई थी। एसपी ने उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट दी थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई थी। हालांकि अखिलेश यादव मंगलवार को कांग्रेस को एक और सीट फूलपुर देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन राहुल और अखिलेश की बात होने के बाद कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया गया। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अखिलेश पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन में कोई भी नेता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए अखिलेश सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि सिंबल से ज्यादा चुनाव में जीत जरूरी है। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो लोग बहराइच का दंगा करा रहे हैं उनका खात्मा जरूरी है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की रक्षा हो और देश में बहुदलीय लोकतंत्र सलामत रहे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उनकी ट्रोल आर्मी और उनके प्रवक्ताओं को ये बता दिया कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद कितना छोटा है। पहले कांग्रेस पार्टी को यह पता ही नहीं चला और अखिलेश यादव जी ने 6 सीट डिक्लेयर कर दी। फिर कांग्रेस के समर्थित लोग प्रवक्ता सभाएं बोले 4 सीट तो हमारी है। उसके बाद जाकर उनको पता चला कि 2 सीट ही उनको मिलेगी। कांग्रेस के यूपी प्रेसिडेंट को इस बात के बारे में पता ही नहीं था। फिर कांग्रेस पार्टी को लगा चलो उनको 2 सीट मिलेगी और अब अखिलेश यादव ने बोल दिया कि भाई 9 सीट पे सिर्फ समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े जाएंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बनी थी। इस पर एसपी ने भी हरियाणा में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। ये तब अखिलेश और राहुल की बातचीत से ही संभव हो सका था। हम सब लोग सहयोग हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, सहयोग के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से हम जंगल राज को खत्म करना, बुलडोजर राज को खत्म करना और जो आपसी भाईचारे का इन्होंने एक पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर जो तोड़फोड़ किया है उसका जवाब निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की उठता के साथ। अब हरियाणा की तर्ज पर ही यूपी में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एमपी में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने नामांकन दाखिल कर दिया। उपबुद्धि से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया। चुनाव के दंगल में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी कांग्रेस पर निशाने साध रही है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी में अंतर कलह है।
एमपी में फिर चुनाव, बढ़ रहा तनाव। बात है कि बीजेपी में एक अंतर्कलह हो गई है। पूरी पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है, सिर्फ टब्बल और बगावत ये तो कांग्रेस में होती है। दो सीटों पर लड़ाई, सियासत गरमाई। क्षेत्रीय जनता उनके साथ है, क्षेत्रीय भावना उनके साथ है। देखिए, मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव, चाहे विजयपुर हो बुधनी हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। दावों में जीत, जनता किसके साथ? बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। जीत के लिए दोनों तरफ से दम भरा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। उधर बीजेपी ने भी बड़े बहुमत के साथ जीत का दावा किया है। बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, क्षेत्रीय जनता उनके साथ है, क्षेत्रीय भावना उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में एक अंतर्कलह हो गई है, क्योंकि वहां की जो लोकल लोग हैं वो उनके जो कैंडिडेट हैं भार्गव साहब, जो विदिशा की हैं, उनको बुधनी क्षेत्र का नहीं मानते। तो एक क्षेत्रीय भावना उधर उभर के सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव, चाहे विजयपुर हो बुधनी हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अब कांग्रेस को चुनाव तक अपने कार्यकर्ताओं को साथ में रखना है तो वो बोलेंगे तो, पर 100% भाजपा जीतने वाली है और प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। बुधनी सीट पर बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के लिए कार्तिकेय ने भैरुंदा में प्रचार किया। इस दौरान कार्तिकेय ने कहा कि एक परिवार से दो लोगों को टिकट देना सही नहीं है। ये भारत की विचारधारा की पार्टी है। जब 2012 में मैंने काम किया था तब भी मुझे पता था कि पिताजी के होते हुए इतने बड़े राजनीतिक पद पे चुनाव मेरा लड़ना ठीक नहीं है। एक परिवार में दो टिकटें नहीं जानी चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी में अंतर्कलह के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि बुधनी में बीजेपी नेता नाराज हैं। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी एकजुट है, अंतर्कलह कांग्रेस में होती है। निष्क्रिय व्यक्ति को टिकट दिया जिसने अपनी सांसदी में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया 5 सालों के कार्यकाल में, तो जाहिर सी बात है भाजपा के कार्यकर्ताओं का गुस्सा होना स्वाभाविक है। रही बात विजयपुर की, तो विजयपुर में तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस लायक समझा ही नहीं गया है कि वे कुछ हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी नाराजगी नहीं होती है, लोकतांत्रिक पार्टी है जिसको पार्टी मौका देती है, और कमल का फूल सभी के लिए उम्मीदवार होता है। पूरी पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है, सिर्फ टब्बल और बगावत ये तो कांग्रेस में होती है। जीत किसे मिलेगी इसका फैसला जनता करेगी। 13 नवम्बर को मतदान होगा और 23 नवम्बर को नतीजे आएंगे। जनता ने किसे अपना नेता चुना है उसी दिन पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आज रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि दाना नाम का चक्रवाती तूफान किसी भी वक्त तट से टकरा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल होगा। एनडीआरएफ और कोस्टल गार्ड की टीमें राहत बचाव के लिए मुस्तैद हैं। समंदर में लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का दौर चल पड़ा है, और आज की रात पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए बहुत भारी है, क्योंकि तूफान दाना किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है, जो बहुत तेजी से इन दोनों राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान आज रात किसी भी वक्त ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर टापू के बीच टकरा सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों में भारी दहशत बनी हुई है। तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा दाना तबाही मचाने के लिए तैयार दिख रहा है। अंदेशा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान का लैंडफॉल होगा।
पश्चिम बंगाल के 7 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। तूफान के असर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं ओडिशा पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग जगहों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ, कोस्टल गार्ड और राहत बचाव की दूसरी टीमें मुस्तैद हैं। दो सौ 80 से भी ज्यादा राहत बचाव टीम काम कर रही है। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पुरी के मंदिर में श्रद्धालुओं को जाने से मना किया गया है, तो वहीं कोणार्क मंदिर भी बंद रखा गया है। रेलवे ने ओडिशा से गुजरने वाली 198 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों को हटाया गया है। ओडिशा की सरकार ने कई शहरों में समंदर के किनारे न जाने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने मछुआरों को अगले 2 से 3 दिनों तक समंदर से दूर रहने की सलाह दी है। बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 6,000 राहत शिविर बनाए गए हैं। रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि पश्चिम बंगाल में सियालदा स्टेशन से रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेन की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 23 से 26 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान दाना ओडिशा में कहर बरपा सकता है, इसीलिए यहां पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ और ओडिशा की रैपिड एक्शन फोर्स ODRF को तैनात किया गया है। इसके अलावा वहां कई राहत शिविर भी तैयार किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सके। अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। लैंडफॉल के बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दिल्ली में यमुना पर प्रदूषण पर सियासत जारी है। नदी में डुबकी लगाने के चैलेंज अब दिए जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज यमुना में डुबकी लगाई, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। यमुना के इस प्रदूषण पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो आम के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता प्रदूषण का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत जारी है। झाग झाग यमुना नदी में छठ की पूजा कैसे होगी, ये पूछा जा रहा है। इस बीच आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद उनकी तबीयत भी खराब हो गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुना का पानी कितना जहरीला हो गया है। बीजेपी का कहना है कि ये डुबकी यमुना को लंदन के टेम्स की तरह साफ करने का अरविंद केजरीवाल का वादा याद दिलाने के लिए थी। कल बीजेपी ने केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को भी यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दिया था और आज खुद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने जहरीले पानी में डुबकी लगाई। हालांकि दिल्ली सरकार ने यमुना में प्रदूषण के लिए हरियाणा पर ठीकरा फोड़ा है। मैं तो माँ यमुना को आया था कि देखने के लिए कि हम शर्मिंदा है, माँ तुम्हारी ये हालत है, क्योंकि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने तुम्हें लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खाने का काम किया। और मुझे चिंता है कि 10 दिन बाद जो पूर्वांचल का त्योहार होना है, मेरी माताएं बहनें इस गंदे पानी में कैसे जाएंगी, वो अरविंद केजरीवाल को दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये पानी हाथ लगाने लायक भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को धोखा दिया, माँ यमुना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत गलत बात की वीरेंद्र सचदेवा जी ने कि यमुना से तो माफी मांगी मगर गंगा से नहीं मांगी। जहां लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च कर दिए और कहा गया था कि गंगा को साफ करेंगे, वो गंगा आज भी उतनी मैली है। वो अगर वीरेंद्र सचदेवा जी सही में इसके लिए जो है सीरियस हैं, तो वो हरियाणा सरकार से बात करें और जो पानीपत और सोनीपत से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है उसको बंद कराएं। 1994 से ही यमुना की सफाई की कोशिशें हो रही हैं। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र और DDA का सहयोग मिला तो यमुना को टेम्स नदी की तरह साफ कर देंगे।
लेकिन जिस यमुना की लोग देवी मानकर पूजा करते हैं उसकी सफाई की कोशिशें गंदे नाले बहाकर ले जा रहे हैं। केजरीवाल ने 2020 में वादा भी किया था कि वो 2025 में होने वाले चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग गंगा नहा के आए हुए हो? काफी लोग गए हैं यहाँ पे। अब आपको यमुना में जरूर नहलाऊंगा मैं। 5 साल अगले चुनाव के पहले मैं भी आपके साथ चलूंगा, यमुना में डुबकी लगा के आएंगे, इतनी साफ कर देंगे यमुना। यमुना का पानी जहरीला होता जा रहा है, लेकिन नदी की सफाई के नाम पर सिर्फ वादे किए जाते रहे हैं, सिर्फ सियासत होती रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 3,500 मिलियन लीटर से ज्यादा सीवेज यमुना नदी में बहाया जाता है। दिल्ली में यमुना के पानी में फिर झाग है। यमुना नदी में डुबकी लगाने पर तबीयत खराब हो रही है। प्रदूषण पर फिर सियासत भी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी नदी में डुबकी लगाने की चुनौती दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।